अस्सलाम वालेकुम साथियों, सोचा था कि आपको ईयरिंग्स के बारे में थोड़ी बहुत मालूमात देंगे। ये नहीं कि स्टाइल्स ये हैं, डिज़ाइन ये हैं या हमारी ये ज्वेलरी है, बल्कि कुछ ऐसी टिप्स, कुछ ऐसी चीज़ें जो हमें सारी ज़िंदगी खटकी ज्वेलरी में, जिन्होंने हमको परेशान किया और हमें लगा कि ये चीज़ ज्वेलरी में जो है वो सबसे ज़्यादा फोकस की जानी चाहिए, जो कि बहुत से लोग, बहुत से साथी नहीं करते होंगे। तो हमने सोचा कि हम आज थोड़ी सी ज्वेलरी निकालते हैं, खासकर ईयरिंग निकालते हैं और आपको दिखाते हैं और उसके बारे में बताते हैं कि जब आप ईयरिंग्स बनवाएं या ख़रीदें तो उसमें कौन सी चीज़ आपको देखनी चाहिए और कौन सी नहीं। तो निकालने हमने ये थे एक ईयरिंग्स जो आपको दिखाने थे, लेकिन हमारी नज़र से एक तो ये छोटी छोटी जो हुप्स होती हैं ये गुजरी और दूसरा अम्मी का ये सेट गुजरा। तो हमने सोचा कि हम ये भी आपको दिखाते चलें, इसलिए कि ये हमें बहुत पसंद है और ये नए और पुराने ज़माने का इसका स्टाइल जो है वो एक तरह से मुरक्कब है। तो आजकल के ज़माने में तो सभी जानते हैं कि सोना किस भाव मिल रहा है, और वो ज़माने लग गए जब दुल्हन के लिए पेरेंट्स जो हैं वो 12 चूड़ियाँ 18 चूड़ियाँ बना के देते थे। जब हमने आज से 7 साल पहले अपनी बेटी की शादी की तो हमें कुछ पाकिस्तान का अंदाज़ा नहीं था, बहुत अरसा हुआ था हमें गए हुए, लेकिन बहरहाल पाकिस्तानी हैं और वो रीति रिवाज, और हम चाहते थे कि हम अपनी बेटी को जेवर सोना शोना जो बनवा के दे सकते हैं वो बना के दें। तो हमने अपनी एक फ्रेंड जो है उनकी सिस्टर को पाकिस्तान फ़ोन किया और हमने उनसे पूछा कि क्या हिसाब है, किस तरह लेते हैं, कौन सा ज्वेलर जो है वो अच्छा है। तो ये जो ईयरिंग्स या ये जो डिज़ाइंस हमारे पास हैं ये इस तरह नहीं है कि इसमें कितना सोना लगा है, कितने के स्टोन्स हैं, वज़न इसका क्या है, ये नहीं है। एक चीज़ है वो उन्होंने जितने की हमें दी हमने वो ख़रीदी, और हम जाते भी बिल्कुल ही एक दो दिन के लिए हैं तो हमारे पास ये ऑप्शन होती भी नहीं है कि हम घूम फिर कर देख सकें। बहरहाल अब ये जो ज्वेलर हमें पता लगा है कि जिनसे हमने ये सारा कुछ लिया हुआ है वो कहीं शिफ्ट हो गए हुए हैं, तो हमें पता नहीं है कि वो किस नाम से हैं और कहाँ हैं। जब हम बेटी की शादी के लिए गए तो हमने तीनों बच्चों का जेवर ख़रीद लिया, सोनी की शादी का भी, बड़े की शादी का भी और बेटी की शादी का भी, और पूरा कराची हमने घूमा, एक एक ज्वेलर के पास हम गए, लेकिन हमारे दिल को एक सेट भी नहीं भाया। और जो सेट भाए सारे के सारे बच्चों के लिए जो हमने लिए वो एक ही ज्वेलर के पास थे। तो इनमें से जो चीज़ें हमने यहाँ पर रखी हुई हैं उस वक्त का कोई जेवर मौजूद नहीं है, उसके बाद के बरसों के हैं। तो ये जो ईयरिंग हम आपको बता रहे हैं इसकी डंडी के बारे में, हमारे यहाँ जो जेवर बना बनाया मिलता है या आम दुकान पे आप जाके देखें, इमिटेशन भी अगर ले रहे हों तो उन्होंने ये डंडी जो है ये ऊपर लगाई होती है, उससे ये होता है यानी बिल्कुल एंड पे यहाँ पर डंडी लगी होती है, वो इसके बीच में लगी होनी चाहिए या ज़रा नीचे करके देखें आप डंडी लगी हुई है, लगी होनी चाहिए ताकि जब आप इसको पहने तो कान के नीचे ही ना ईयरिंग लटका रहे, बल्कि कान को कवर करे। उससे फिर यह है कि अगर आपका सुराख कान का खुला भी है, एक तो वो कवर हो जाता है, दूसरा यह है कि कानों में पहनने वाली चीज़ है, कान के नीचे पहनने वाली चीज़ तो नहीं है बुंदा। तो ये जो है बाज़ औक़ात हम अपनी बातों पर हंस पड़ते हैं। ईयरिंग जो है वो कान को खूबसूरत बनाने के लिए, फेस को खूबसूरत बनाने के लिए पहना जाता है, ना कि बदनुमा बनाने के लिए पहना जाता है। तो बहुत से साथी जो हैं जब वो ईयरिंग्स ख़रीदते हैं वो ये चीज़ नहीं देखते, वो सामने से देखते हैं कि बड़ा खूबसूरत है, बड़ा प्यारा बना हुआ है, बड़ा अच्छा बना है, वज़न कितना है, स्टोन्स क्या लगे हैं, ये है वो है, बस ले लिया, भाव अच्छा मिला ले लिया, चीज़ अच्छी लगी, उसको पीछे पलट के देखते ही नहीं कि उसकी डंडी कहाँ लगी है। और बाज़ दफ़ा तो डंडी ऊपर को घूमी हुई होती है, वो जो कान से गुजरने वाली डंडी होती है वो ऐसे ऊपर करके उसका हम्प बना होता है, वो बिल्कुल ही कान अलग और ईयरिंग अलग होता है, तो वो बुरा लगता है। तो जब भी आप ईयरिंग खरीदें मेक श्योर करें कि आप इसको पलट के देखें कि उसकी डंडी जो है वो इस तरह पर इतनी कम अज़ कम नीचे लगी हुई हो, ताकि वो आपके कान को खूबसूरत बनाए और वो प्यारा लगे आपके फेस के अराउंड, चाहे वो सोना हो चाहे वो इमिटेशन हो। दोनों सूरतों में आपने इस चीज़ को चेक करना है। पाकिस्तान में होने का ये फ़ायदा है, ये सारी चीज़ें हम लोग पाकिस्तान से ही लेते हैं, या आप ऑनलाइन भी लेते हो तो फ़ायदा हमें ये है कि वहाँ पर तो गली गली कारीगर बैठा है, कि अगर आपने कोई चीज़ ली है आपने उसको कहा कि डंडी जो है ये नीचे करवा दो, तो वो वहीं करवा देंगे, वो कहेंगे अच्छा आप खड़े हों, वो जल्दी से लड़के को दौड़ाएंगे, वो जाके फिक्स करा के ले आएगा। तो कराची में तो हमने ये सिलसिले देखे हैं कि खड़े खड़े वो आपका काम जो है वो वहाँ पर वो फिक्स कर देते हैं, यानी हमने देखा है बाज़ औक़ात हम तारिक सेंटर में खड़े होते थे कुछ देखने के लिए या कुछ लेने के लिए, तो हमने देखा कि वो जो लेडीज़ होती थी वो सेट लेके आया करती थी कि शाम को भाई हमने ये जेवर पहनना है, इसके मोती बदल दो,
वो जल्दी से लड़के को पकड़ाते थे और वो लड़का दौड़ के जल्दी से नीचे के मुँह, अच्छा आप 2 घंटे बाद ले जाइएगा जी। सारे मोतियों का रंग जो है सेट के पूरे भरा हुआ मोतियों से, मतलब भारी हैवी जो सेट्स होते हैं जिसके नीचे झालरें लटकी होती हैं मोतियों की, वो बदला के रंग अपने सूट के साथ मैचिंग करा के ले जाती थी। तो ये वहाँ के जो आराम है वो यहाँ पर नहीं है। तो वहाँ से आने लगे आप एक प्रॉपर चीज़, परफेक्ट चीज़ बना के लेके आए। तो इस चीज़ पर हमेशा गौर करें कि डंडी जो है वो कहाँ लगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसके लिए इस खामी के लिए हम महंगे से महंगा और खूबसूरत से खूबसूरत इयररिंग छोड़ दें, क्योंकि हमें ये गवारा नहीं है। तो जितने इयररिंग्स भी आप देखेंगे, ये देखें सबकी डंडी जो है ये नीचे लगी हुई है। तो अम्मी के हैं ये वाले इयररिंग्स, और इस कलर में जो अम्मी का ये शैम्पेन सा कलर है, सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये हर कपड़े के साथ चलता है। हमें कभी भी जो प्योर ज्वेलरी है वो पसंद नहीं आई, यानी कि स्टोन के बगैर। हमारे पास कोई ऐसा सेट नहीं है जो सिर्फ सोने का बना हुआ हो, हमें पसंद ही नहीं है। हमें स्टोन्स के साथ जो है वो बहुत अच्छा लगता है। हाँ, चूड़ियाँ हमारी आपने देखी होंगी, बिल्कुल प्लेन है, बिल्कुल सादी हैं, और ये तो बहुत पुराने हैं। ये कड़े हमने खुद डिज़ाइन किए हुए हैं और हमें अब याद नहीं कि किस ज्वेलर के बने हुए हैं। ये वाले कड़े जो हैं ये हमने आटे को इसी ड्रेसिंग टेबल पे रख के शेप दे के ज्वेलर को भेजे थे और उसको कहा था हम आ रहे हैं तो हमको ये बनाकर डिलीवर कर दे। तो कराची से फ्लाई आउट करके आए थे सुनार हमारे, और जो जो चीज़ हमने बनवाई हुई थी वो हमें दे गए थे, तो उसमें ये कड़े भी शामिल थे। तो ये हैं बाकी ये चूड़ियाँ जो हैं प्लेन, ये भी हमें नहीं याद कि किस ज़माने की हैं, बहुत पुरानी हैं, बहुत अरसे से। और इंसान कभी थक भी जाता है डिज़ाइन पहने तो सादा अच्छा लगता है। ये इत्तफाक, ये हमारा इतना ढेर पहनने का इरादा कोई नहीं होता है। कभी बेटी ने पहने हुए थे ये कड़े, वो कहीं गई तो उतार के चली गई और वो फिर हमने अपने हाथ में चढ़ा लिए। इसी तरह पर ये कड़े थे, ये भी शायद बेटी ने पहने हुए थे, उतार के दिए तो हमने हाथ पे चढ़ा लिए। इनके साथ शायद हमने वो जो कुंदन वाले कड़े हैं वो पहने हुआ करते थे। तो बस यही सिलसिले हैं यहाँ पर चलते हुए। यहाँ पर कोई किसी को फैशन की होश नहीं होती है, ना कोई दिखाने की ज़रूरत होती है और ना किसी ने देखना होता है। तो अपनी खुशी के लिए, अपनी पसंद के लिए हम पहन छोड़ते हैं। हमारे मियाँ साहब को बहुत अच्छे लगते हैं तो हमें उनकी खुशी अजीज़ है। उनको तो परेशानी होने लगती है जब हमारी कभी पायल टूट जाए। उनको हर वक्त यही होता है कि बेगम जो है वो बहुत कुछ जेवर शेवर पहन के सुर्खी पाउडर लगा के बस तैयार होके सेटमेट फिरती रहे, तो वो बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं इंसान इस तरह बिल्कुल भी फकीरन बन के जो है वो घर में फिरे। पायल में हम फिशिंग वायर डाल के पहनते हैं, हम ऐसे नहीं पहनते। हम उसमें से फिशिंग वायर जो है वो गुजार लेते हैं, उसको नॉट कर लेते हैं, नॉट भी दोनों एंड्स डबल करके फिर नॉट करते हैं। हम आपको वो भी दिखा देंगे कि किस तरह करते हैं। उससे ये है कि पायल अगर टूटे तो गिरती नहीं है, वो लटकी रहती है, फिशिंग वायर की वजह से बच जाती है। इनके बीच में भी जो दूसरे ब्रेसलेट्स वगैरह होते हैं हमने फिशिंग वायर डाली होती है। आजकल हमने बहुत सारे उतारे हुए हैं, तो एक तो बात ये थी कि इसकी आपने डंडी देखनी है, दूसरा ये था कलर्स आप ऐसे खरीदें जो न्यूट्रल से हों, जो हर कपड़े के साथ चल सकें। वरना यह है कि जब भी आपने कहीं जाना हो आप जेवर निकालते हैं तो आपको पता ही नहीं लगता कि वो चल भी रहा है कपड़े के साथ कि नहीं चल रहा। और दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि आजकल के जो कपड़ों पे दबके के बनफशी के काम हैं, जो तिल्ले का काम है या जो भी चमकी उसके ऊपर लगी हुई है, वो सुनहरी है ही नहीं। आजकल तो जो सारी एम्ब्रॉयडरी कपड़ों पर आ रही है वो एंटीक लुक रखती है। तो हमारे यहाँ जो दुल्हन होती है उसको झूठा जेवर नहीं पहनाते, वो फेक ज्वेलरी नहीं पहनती। जो भी उसके पेरेंट्स अफोर्ड कर सकते हैं आसानी से या जो भी उसकी बरी में आए वही वो पहनती है। नहीं भी है उसके पास तो खूब सारे उसके गले में फूलों के हार ही डाल दिया करते थे, तो लेकिन उसको झूठा जेवर जब रुख्सत करते थे तो नहीं पहनाते थे। तो हमें भी ये पसंद नहीं है। बहरहाल जितनी तौफीक हो उतना कर लेते हैं। जब हम बेटी की बात बता रहे थे कि जब उसकी शादी होने लगी तो हमने जिनको अपनी फ्रेंड की सिस्टर को फ़ोन किया, जेवर शेवर के बारे में पता किया, ज्वेलर्स का पूछा और कहा कि 8 चूड़ियाँ जो हैं वो करीबन कितने की बनती हैं। तो उनका ये जुमला हमें आज तक याद है। वो आगे से कहती हैं कि ये कोई ज़माने नहीं है 8 चूड़ियाँ बनवाने के। तो उससे हमें अंदाज़ा हुआ कि ज़माना कितना बदल गया कि पहले ज़माने में 18 चूड़ियाँ 12 चूड़ियाँ इस तरह माँ बाप जो थे वो बच्ची के लिए बना के रखा करते थे। और आजकल के ज़माने में तो हमारा नहीं ख्याल कि कोई 2 चूड़ियाँ भी दे सकता है जिस हिसाब से ज़माना जा रहा है या चल रहा है। बहरहाल जहेज़ की तो बात और है, बरी की बात और है। जिसकी जितनी तौफीक है अपनी बच्ची को बना दे। जेवर तो जो है वो सेविंग ही होता है सोना, लेकिन हम ये दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला बच्चियों को अपने घर में दे,
कि जो उनका शौहर जो है कमा के लेके आता है बच्चियाँ उससे बनाने वाली हों, तो बना लिया करती हैं। तो आज अगर नहीं भी है या नहीं भी पेरेंट्स दे सकते तो इंशाल्लाह एक दिन अल्लाह ताला उनको अपनी जनाब से खुद ही दे देगा, खुद ही नवाज देगा। तो इसके साथ का हम आपको हार भी दिखाएं, ये देखें, तो ये जो है ये भी इसमें भी कुंदन लगा हुआ है जिस तरह पर हमने रखा हुआ था, और ये सारा रूबी है इसमें। देखिए आपको सही से हाथ में दिखाएंगे तो आपको नजर आएगा। और ये जो लड़ी है ये देखिए मोटी होती जाती है नीचे, और अच्छा इसमें हैवी गोल्ड भी जो है वो काफी मोटा लगा हुआ है, ऐसे पतला पतला नहीं। अगर आप जेवर में सोना कम कर देते हैं, उसमें गोल्ड कम लगाते हैं, तो स्टोन जो है वो गिर जाता है। तो कभी भी पतला जेवर ना बनवाएं, छोटा बना लें, बेशक आप मोतियों की लड़ी और बीच में एक पेंडेंट बनवा लें, लेकिन वो हो मोटे पतरे का, सोना उसमें मोटा लगा हो ताकि वो उसमें स्टोन ठहरे, वरना जैसे टूटे हुए दांत हो इंसान के उस तरह का वो जेवर दिखाई देने लगता है, और बाहर के ममालिक में तो वो पहनने लायक भी नहीं रहता क्योंकि उसको रिपेयर ही नहीं कराया जा सकता, उसमें स्टोन्स ही नहीं फिर लगवाए जा सकते। तो हमेशा ये है कि आप साइज पे कंप्रोमाइज़ कर लें कि अगर तौफीक नहीं है या महंगा पड़ रहा है तो आप छोटा बनवा लें, छोटी टुकड़ी ले लें। तो ये सारे जो हैं ये रियल स्टोन्स हैं, इसके अंदर ये रूबीज़ हैं जो लड़ियाँ हैं लाल वाली, और ये बहुत खूबसूरत, ये देखो इस तरह पर ये ऊपर है, और ये ऐसे गले में लटकता है इस तरह, ये देखें। ये भी कलर आप देख लें इसका किस तरह का है, और इसकी भी डंडी आप देखें कि नीचे करके लगी हुई है और मोटा बना हुआ है, बिल्कुल ऐसे पतरी पतरी सी नहीं है, वजनी है ये। अगर ये वजनी ना हो तो इसके स्टोन्स जो हैं वो गिर जाएं। तो इसमें सारे ये देखें छोटे 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 लगे हुए हैं। तो हमें इसका कलर, इसकी कलर स्कीम बहुत अच्छी लगी, हालांकि हमें ये डर था कि ग्रीन जो है पता नहीं किसी चीज़ के साथ चले या ना चले, लेकिन एक और जेवर हमने उससे लिया था, एक और सेट लिया था जो ग्रीन एंड रेड स्टोन वाला है, वो कभी किसी कपड़े के साथ नहीं चला, और ये सेट जो है ये हर दूसरे कपड़े के साथ हमारे चल जाता है। तो हमें हैरत हुई, ग्रीन और रेड कलर कभी कोई ना ले, या तो नौरतन का ले ले कि उसमें मल्टी कलर जो है वो स्टोन्स हों, पर्ल्स भी हों। हम ऐसे इंसान हैं नहीं कि इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा फोकस करें कि मैचिंग है, क्या पहना क्या नहीं, जो हाथ लगे बस पहना चले गए। तो अपने लिए करते हैं, अपनी खुशी के लिए करते हैं, अपने मियाँ साहब की खुशी के लिए करते हैं। हमें कभी ये नहीं हुआ कि हम पे कैसा लग रहा है या ज़माना क्या सोचेगा, हमें इस चीज़ की बिल्कुल फिक्र नहीं होती, दिल में भी नहीं होती। और ये जो हैं ये हुप्स हैं, तो हम कभी भी ये रेकमेंड नहीं करेंगे कि पाकिस्तान से आप हुप्स बनवाएं। हमें हमारे पास हैं, बहुत खूबसूरत बनी हुई हैं, लेकिन वो पहनने के काम नहीं आती, इसलिए कि उनका जो हिसाब किताब है, जो मेजरमेंट्स हैं हुप के, वो इतने कंफर्टेबल नहीं होते जितने के बाहर के बने हुए ब्रांड्स के होते हैं। तो बाहर से बिला शुबा महंगा पड़ता है, बिला शुबा 18 कैरेट गोल्ड आपको मिलता है, लेकिन डायमंड की क्वालिटी ऑथेंटिक होती है, बाहर से जो मिलती है उसमें कोई शक नहीं होता, महंगा है लेकिन कंफर्टेबल है कि आप सोएं जागें, आपके कान में ये पड़ा हुआ है तो आपको परेशान नहीं करेगा, उतारना नहीं पड़ेगा, चाहे आप बच्चों को पहना छोड़ें चाहे आप खुद पहने, आप इसमें सो सकते हैं। तो हमने जो इस वक्त हुप्स पहने हुए हैं वो हमने सारी ज़िंदगी अपने कानों में पहने हैं और कभी नहीं उतारे, सिवाय इसके कि हमने कहीं जाना हो। तो हम रेकमेंड करेंगे कि जब भी आपने इस किस्म के डायमंड के हुप्स लेने हों, दिन रात पहनने के लिए, और लड़कियों के, लेडीज़ के कानों को खाली नहीं होना चाहिए। हमारे यहाँ पुराने वक्तों के जो लोग थे या हमारे जो बड़े थे वो इस बात को बुरा जानते थे कि बच्ची के कान खाली हैं, या कहीं मिलने गई है तो एक तरह से रिस्पेक्ट देना होता था कि आप खाली कान लेके दूसरे के घर चले आए मिलने के लिए, तो वो बुरा जानते थे, उसने तो कानों में भी कुछ नहीं पहना हुआ था। तो एक सोग की अलामत समझी जाती थी, एक अनहैप्पीनेस की, और एक शुक्रगुजारी की कैफियत जो है वो उनमें नहीं मौजूद पाते थे हमारे बड़े, तो वो कहते थे कि पहना हुआ हो। तो इस वजह से ये चीज़ें हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थीं, और हमने अपने बच्चों को भी आदत डाली और हमने खुद भी ये आदत रखी कि सोए हों जागे हों कम अज़ कम ये हुप्स और चंद चेन्स जो हैं वो हमारे गले में ज़रूर मौजूद हों। पाकिस्तान से हम जितनी इस तरह की ईयरिंग्स लेके आए हैं जो इस स्टाइल की बनी हुई हैं, हुप्स की तरह की, वो थोड़ी देर तो पहनी जाती हैं लेकिन दो घंटे में आपके कान जो हैं वो दुखने लग जाते हैं, तो वो कतई दिन रात पहनने वाली नहीं है।
फिर बहुत से साथी, बहुत सी बच्चियाँ ऐसी हैं जो इमिटेशन ज्वेलरी नहीं पहन सकती, उनके कान जो हैं वो उससे ख़राब हो जाते हैं, उनमें इन्फेक्शन हो जाती है, उनको एलर्जी हो जाती है, उससे रेड हो जाते हैं, इची हो जाते हैं, तो उनके लिए ये है कि वो जो डंडी है इयररिंग की उसके ऊपर नेल पॉलिश लगा लें, तो दो कोट्स लगा लें और पहन लें, उससे यह है कि उनको एलर्जी नहीं होगी। तो इस तरह पर वो इमिटेशन भी पहन सकेंगी नेल पॉलिश लगा के। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप है और बहुत ही कारामद टिप है जो हमने आपको दी है। बाकी ज्वेलरी धोने वगैरह का बहुत से केमिकल्स जो हैं वो मिलते हैं जिसमें आप सोक कर लें, डिप करके निकाल लें, तो नई की नई आपकी ज्वेलरी हो जाती है। लेकिन आम तौर पर जैसे रिंग्स वगैरह धोने हो, अभी तो हमने धोए नहीं हुए, लेकिन रिंग्स वगैरह अगर आपने धोने हो तो आप जो जिफ है किचन में जिससे हम पॉट्स धोते हैं, जिफ क्रीम जो होती है, टूथब्रश लेके कोई भी एक नया ब्रश लेके हमने किचन में रखा हुआ है जिससे हम रिंग्स ही धोते हैं, ज्वेलरी ही धोते हैं, कभी बेटी धो देती है, तो सबसे पहले तो आपने ये करना है कि सिंक की जो सुराख है उसको सील करना है। हम कर लेते हैं ये वाले में तो दबाने से सील हो जाती है, लेकिन जिनके सिंक का सुराख एक स्टैंडर्ड होल होता है वो कोशिश करें वो सबसे पहले उसके ऊपर एक कटोरी रख लें ताकि ज्वेलरी जो है वो बह के हाथ से अंदर ही ना चली जाए। तो ये चीज़ें जो है इनका ध्यान रखें। तो बहुत से साथी कहते थे ज्वेलरी दिखाएं, ज्वेलरी दिखाएं, तो ये चंद चीज़ें हमने निकाली, हमने सोचा कि हम आपको दिखा दें। और जहाँ तक घर में ज्वेलरी रखने का ताल्लुक है तो हमने इनको बॉक्सेस में नहीं रखा हुआ, ज्वेलरी बॉक्सेस में नहीं रखा हुआ। एक तो यह है कि वो जगह ज़्यादा घेरते हैं, दूसरा यह है कि आप उनको सेफ में और लॉकर वगैरह में आसानी से नहीं फिट इन कर सकते। यह है कि कभी चोरी हो, ब्रेक इन हो, अव्वल तो ये सारी प्रेमिसेस जो है, घर जो है ये अलार्म्ड है, लेकिन इसके बावजूद घर में इस तरह पर ओपनली बिल्कुल सामने ही चीज़ डब्बे में आपको नहीं रखनी चाहिए। लेकिन ज्वेलरी को हम इस तरह पर रखते हैं सेफ में और इसको फिर हम इस तरह पर रैप कर देते हैं। नैपकिन ले लें, टिश्यूज़ ले लें, कुछ भी ले लें, उसमें यह है कि ये नरम चीज़ में बड़ी अच्छी तरह से पैक होकर रखा रहता है। और इसके बाद हम इसको जो है एक कलर्ड में लपेट लेते हैं, हमेशा ही सेट के सेट को इस तरह। और फिर हम इसको डालते हैं, देखें हमने लिख के रखा हुआ है इसके ऊपर नाम के, इसके अंदर क्या है, तो उससे यह है कि हमें एक एक खोल के देखना नहीं पड़ता है। तो ये जिप लॉक बैग जो है ये हमने सैंडविच वाला नहीं लिया हुआ, सैंडविच वाला जो है वो थोड़ा सा बड़ा होता है और इसको टाइट नहीं करना है। सबसे इम्पॉर्टेंट ये होता है कि अगर आप इसको घर में रखें तो फायर प्रूफ सेफ में रखें, अगर फर्ज करें कि घर को आग लगे तो आपकी ये जो चीज़ है ये महफूज रहे। और फायर प्रूफ का मतलब ये नहीं होता है कि फायर प्रूफ मतलब उसको आग ही नहीं लगेगी, उसके ऊपर टाइम लिमिट होती है कि अगर इतनी देर ये आग में पड़ा रहेगा तो डिस्ट्रॉय होगा, उसके टाइमिंग्स होते हैं और उस हिसाब से उस सेफ की या उस फायर प्रूफ बॉक्स की कीमत होती है। बाज़ हैं कि दो घंटे भी अगर आग में रहें तो फिर कहीं जाके अंदर की चीज़ें जो हैं वो डिस्ट्रॉय होंगी, बाज़ हैं कि आधा घंटा अगर फायर में रहें तो फिर कहीं जाके जो अंदर चीज़ पड़ी है वो डिस्ट्रॉय होगी। तो इसको देख के ख़रीदें, सिर्फ ये नहीं कि फायर प्रूफ बॉक्स आपने देखा है तो चलो जी फायर प्रूफ है आप ख़रीद लाए, पढ़ के समझ के फिर ये चीज़ें आप घर में लाएं। और होनी चाहिए ये चीज़ें घर में, किसी का पता नहीं होता है खुदा ना खास्ता, लेकिन हो तो बेहतर है कि इस किस्म की कीमती चीज़ें जो बार बार तो नहीं बनाई जाती। तो इस तरह पर हमने इनको पैक कर लेना है और पैक करके इनको हमने ये देखें इनके ऊपर हमने हर थैली के ऊपर जो है वो लिखा हुआ है, डिज़ाइन भी बनाया हुआ है ड्रॉ करके कि कभी हमारे हमारा पढ़ने को दिल ना करे तो हम आँखों से देख के वो थैली निकाल लें भागम दौड़ी में। हैवी जो टिशू है वो नहीं लपेटते हैं क्योंकि इसका जो बैग है वो भी छोटा सा है और इसको हमने डालना भी एक छोटे सेफ में है जो कि फायर प्रूफ है। तो यूँ हमने अपनी ज्वेलरी जो है ये रखी हुई होती है। तो ये तो थी चंद टिप्स, खुदा करे कि ये आपको पसंद आई हो और आपके लिए कारामद साबित हो। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।